नागपुर का सबसे बड़ा कलमना मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आप अच्छे से सब्जी वगैरह बहुत सी चीज़ें यहाँ मिलती है। बहुत बड़ा मार्केट है ये नागपुर का, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, बहुत बड़ा मार्केट है सब्जी वगैरह का। बहुत अच्छी रेट में यहाँ पे सब्जी मिल जाती है और इसे कलमना मार्केट कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कलमना मार्केट, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा कलमना मार्केट का व्यूज दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। अभी मैं इंटर कर रहा हूँ गेट के अंदर। ये एशिया का सबसे बड़ा कलमना मार्केट है। तो दोस्तों अभी ये मैं अंदर का व्यूज दिखाना शुरू कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। यहाँ पर आओगे तो एक दिन में तो घूम ही नहीं पाओगे, ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार जरूर आइए। यहाँ पर सब्जी वगैरह, सब्जी का तो बहुत ही बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे बहुत से चावल गेहूँ, बहुत से अनाज का भी बहुत बड़ा मार्केट है, फ्रूट का भी है। तो मैं अभी अनाज मार्केट होते हुए सब्जी मार्केट जा रहा हूँ। तो आपको ये अनाज का पूरा व्यूज दिखा रहा हूँ। ये अनाज मार्केट है, ये अलग अलग सबके यार्ड अलग अलग बने हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये सब्जी मार्केट है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐड नंबर रहते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 5 ऐड है। तो दोस्तों ये है सब्जी मार्केट, यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेट में सब्जियाँ मिलती है। तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अंदर की ओर। तो ये मेरे जीजा है, जीजा के साथ मैं परचेसिंग के लिए आया हूँ, इनकी शॉप है। तो मैं वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ के रेट्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे इतना शोर रहता है तो मैं ज़्यादा कुछ डिटेल्स में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो करूंगा कि यहाँ के रेट्स वगैरह क्या है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे में। तो ये बहुत ही बड़ा सब्जी का मार्केट है और यहाँ पर आपको होलसेल और रिटेल में भी दोनों मिल जाएगा। जो कोई आपके यहाँ वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं छोटे, तो आप यहाँ से आकर परचेस कर सकते हैं। तो अभी ये धनिया है, तो मेरे जीजा अभी धनिया देख रहे हैं क्या रेट है। तो अभी बात करते हैं यहाँ से, तो देखते हैं। तो अभी ये बोल रहे थे कि 20 रुपया केजी के हिसाब से धनिया है, तो आज ये 20 रुपया केजी बिक रहा है।
तो दोस्तों क्वालिटी देख के रहती है। यहाँ पे बहुत वैरायटी के धनिया आता है, तो कोई 10 रुपए किलो, कोई 12 रुपए, कोई 15 रुपए, तो कोई अच्छे से अच्छा 20 रुपए किलो तक मिल जाता है। अभी मार्केट डाउन है तो 20 रुपया केजी तक अच्छा धनिया मिल जाता है। तो मैं ये अभी ऐड का व्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों चलो। जब भी हमने 20 रुपया किलो धनिया देखा था, ये 15 रुपया केजी का धनिया है। थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस तो रहता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। ये टमाटर की ऐड में आ गए हम। यहाँ पे 150 रुपए से 200 रुपए कैरेट टमाटर मिल रहे हैं, यानी 5 रुपए से 7 रुपए पर केजी उसका रेट है। तो क्वालिटी देख के है दोस्तों, आपको 4 रुपए 5 रुपए केजी के हिसाब से भी टमाटर मिल जाएंगे, और 100 से 200 रुपए के बीच में कैरेट मिल जाएंगी। तो मैं अभी आपको कैरेट दिखा रहा हूँ। ये कैरेट आती है 25 किलो की, तो कोई कैरेट 150 रुपए, तो कोई क्वालिटी देख के रहता है। 200 रुपए वाली कैरेट भी मिल जाएगी, 100 रुपए वाली भी कैरेट मिल जाएगी। मतलब आपको 4 रुपए से 7 रुपए पर केजी के हिसाब से यार टमाटर मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टमाटर मिलते हैं।
अभी थोड़ा मार्केट डाउन है, इसलिए थोड़ा रेट कम चल रहा है टमाटर का, लेकिन आगे बढ़ सकता है। अभी हमारी खरीदी हो गई है यहाँ से, अभी हम जा रहे हैं घर। तो ये हमारा माल खरीदी किया हुआ है जो दिख रहा है आपको वीडियो में, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमने मिर्ची, सांबार, अदरक बहुत से आइटम अभी परचेस किए हैं यहाँ से। ये बहुत बड़ा अच्छा मार्केट है, यहाँ से आप आकर बहुत ही अच्छे रेट में परचेसिंग कर सकते है। ये एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है जो कि नागपुर में कलमना मार्केट कहा जाता है इसे। तो दोस्तों ये